अफगानिस्तान में दो हफ्तों से हो रही भारी बारिश के कारण 315 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। तालिबानी अधिकारियों का कहना है कि अभी भी मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी FWP ने 12 मई को बताया कि सबसे ज्यादा नुकसान बदख्शां, घोर, बगलान और हेरात में हुआ है। भारी बारिश के कारण 1600 लोग घायल हैं और 2000 से ज्यादा घर बह चुके हैं। WFP ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि अचानक आई बाढ़ ने अफगानिस्तान को तबाह कर दिया। बगलान में सबसे ज्यादा मौत हुई है। बगलान में 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। अधिकारियों का कहना है कि बगलान को जाने वाली सड़क बह चुकी है, जिससे वहां राहत पहुंचाने में देरी हो रही है। वहां से लोगों को निकालने के लिए सेना भी भेजी गई है। बता दें कि अफगानिस्तान के ज्यादातर राज्यों में इमरजेंसी के जैसे हालात हैं। इमरजेंसी की अलग अलग टीमें राहत बचाव कार्य में लगी हैं। अफगानिस्तान के कई राज्यों में दो हफ्ते से बिजली नहीं है। लोगों के पास एक वक्त के खाने के लिए लेकर संसाधन नहीं है। पिछले महीने ही अफगानिस्तान के हेलमंद और काजाकी जिलों में भारी बारिश और बाढ़ के कारण घर ढह जाने से 9 लोगों की मौत हो गई थी।